Students, we are seeing class 8 science chapter number 10 that is reaching the age of adolescence. We are seeing part 6 of this chapter. So, in today's video, we are going to concentrate on sex chromosomes and how the sex of a baby is determined. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में रिप्रोडक्शन में बेबी गर्ल प्रोड्यूस होगी कि बेबी बॉय प्रोड्यूस होगा ये इसको जिसे हम जेंडर बोलते हैं वो जेंडर डिटर्मिनेशन कैसे होता है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो ओके सो बिफोर स्टार्टिंग सिक्स क्रोमोजोम वी शुड नो द मीनिंग ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है देखो हम हम मैंने आपको बताया था कि आपकी जो याद है आपको सेल्स चैप्टर पढ़ा था सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ए थ्रेड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है ना वन थ्रेड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस वॉट वी कॉल इट इट वॉज कॉल्ड एज क्रोमैटिन उसे क्रोमैटिन बोलते हैं ओके okay? एंड ये क्रोमैटिन जो है जब सेल्स का डिविजन uh, होते रहता है तो ये लाइक स्ट्रक्चर -like जो है दे टेक ए पर्टिकुलर शेप एक्स जैसा शेप वो बनाते हैं एंड इस फॉर्म में ये क्रोमेटिन क्या होते हैं अरेंज होते हैं वी कॉल द मैस क्रोमोसोम्स ओके व्हाट इज क्रोमोसोम क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हाट इज क्रोमोसोम इट इज ए व्हाट वी कैन से क्रोमोजोम इज ए जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम इज ए जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रजेंट प्रेजेंट इन साइड न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल हमारी बॉडी के ह्यूमन बॉडी के हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट देर आर टोटल ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी टोटल ट्वेंटी थ्री पेयर्स का मतलब है टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में और ये जो है इसमें से ट्वेंटी थ्री पेयर्स में से जो ट्वेंटी टू है वो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होती हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक जैसे आई का कलर है हाइट है है ना ये हमारी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हमारी बॉडी में ट्वेंटी टू क्रोमोजोम्स होते हैं ट्वेंटी टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड वन पेयर इज़ रिलेटेड विथ द जेंडर ऑफ बेबी है ना ये जो वन क्रोमोसोम होता है दैट इज कॉल्ड ए सेक्स क्रोमोसोम जो क्या करता है जो बेबी गर्ल या बेबी बॉय है उसका जेंडर जो है जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए जो क्रोमोसोम यूज किया जाता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर मतलब दो क्रोमोसोम्स हर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं सेक्स क्रोमोजोम होते हैं ओके okay? जो मेल एंड फीमेल बॉडीज हम कंसिडर करते हैं इसमें एक पेयर जो है देखो अभी सेक्स क्रोमोजोम की मेल बॉडी में जो पेयर होती है एक क्रोमोजोम को नाम दिया है एक्स क्रोमोजोम दूसरा क्रोमोजोम जो है उन्हें उसे बोला जाता है वाई क्रोमोजोम मेल बॉडी में जो वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम होती है दैट इज हेटरो टाइप मतलब दो अलग अलग टाइप के क्रोमोज़ोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एक को बोला जाता है एक्स क्रोमोजोम एंड अनदर इज कॉल्ड एज Y और जो फीमेल बॉडी होती है उसमें फीमेल सेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम की पेयर होती है उसे बोला जाता है एक्स एक्स पेयर दोनों के दोनों क्रोमोजोम जो है वो कैसे होते हैं सिमिलर टाइप के क्रोमोजोम होते हैं फीमेल बॉडी में एंड डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम होते हैं मेल बॉडी में ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना ठीक है सो लेट सी वोटर क्रोमोजोम क्रोमोजोम्स आर जेनेटिक मटेरियल Which is present inside the nucleus of nucleus of every cell of human body. There are total twenty-three pairs of chromosome present in, in nucleus. Out of which one pair of chromosome is called sex chromosome. Male body consists of X, X, and Y chromosome. Female body consists of X and X chromosome. Both chromosomes are similar in case of female nucleus. Okay. नाउ ये जो क्रोमोजोम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते कौन से क्रोमोजोम्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स क्रोमोजोम्स दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स यानी कि जेंडर ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग ये जो है दिस इज ए साइंटिफिक वर्ड विच इज़ यूज फॉर बेबी ओके कौन से क्रोमोजोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूजफुल है सेक्स क्रोमोजोम्स देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स एक्स क्रोमोजोम अभी देखो कोई भी एक सेल अगर आप कंसिडर करो या स्प कंसिडर करो उसमें जो है मतलब दैट इज मीटोसिस के प्रोसेस से बनती है जिसमें एक सेल में अभी ये पेयर है क्रोमोजोम की एक्स एक्स पेयर एक्स एक्स पेयर है और फादर तो फादर का जो गमिट होता है सेक्स गमिट उसमें एक्स और वाई ये जो है दो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं दो गमिट और जब मिटोसिस के प्रोसेस से ये डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होने के बाद में किसी भी एक सेक्स गमिट में या तो अगर मदर की है तो एक ही प्रेजेंट होगा क्रोमोजोम एक एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा एक गमिट में दूसरे गमिट में दूसरा एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा ठीक है फादर का जो ये है सेक्स गमिट है उसमें या तो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा या तो वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा बराबर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन फर्टिलाइजेशन के बाद में देखो क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में या तो मदर का एक्स क्रोमोजोम फादर के एक्स क्रोमोजोम के साथ मैच होगा एक्स एक्स क्रोमोजोम वाला बेबी प्रोड्यूस होगा जो होगा कि गर्ल हो सकता है मदर का एक्स क्रोमोजोम फादर के वाई क्रोमोजोम के साथ में मैच हो और क्या बने एक्स वाई कॉम्बिनेशन से बेबी बॉय प्रोड्यूस हो पॉसिबिलिटी है कि मदर का एक्स क्रोमोजोम फादर के एक्स क्रोमोजोम के साथ में मैच हो फिर से एक्स एक्स यानी कि बेबी गर्ल प्रोड्यूस हो या मदर का एक्स क्रोमोजोम फादर के वाई क्रोमोजोम के साथ मैच हो के एक्स वाई यानी कि बेबी बॉय प्रोड्यूस है ना तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आ, अगर ये इनसे एक्स 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 वाई से चार कॉम्बिनेशंस अगर बन सकते हैं तो वो चार में से दो कॉम्बिनेशनस गर्ल को इंडिकेट करते हैं दो कॉम्बिनेशंस बॉयज़ को इंडिकेट करते हैं है ना इसका मतलब वेनवर इज फर्टिलाइजेशन द चांस ऑफ हैविंग ए बेबी गर्ल और बेबी बॉय इज फिफ्टी 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 चांस है कि जो प्रोड्यूस होने वाला बेबी है वो गर्ल होगा कि बॉय होगा और ये जो चांस है मतलब देर इज़ फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ हैविंग ए बेबी गर्ल एंड फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ हैविंग ए बेबी बॉय यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो मदर है मदर के पास जो दोनों क्रोमोजोम्स हैं वो सिमिलर टाइप के एक्स एक्स क्रोमोजोम और जो फादर है फादर के पास ही वेराइटी अवेलेबल है एक्स और वाई जनरली होता ऐसे है हमारे इधर कि अगर किसी मेन को सिर्फ गर्ल्स हो रही है गर्ल्स को अगर जन्म दे रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसको ठहराया जाता है मदर को विच इज टोटली रॉन्ग बिकॉज ये एक्चुअली मदर या फादर दोनों के हैंड्स में नहीं है कि बेबी गर्ल प्रोड्यूस हो या बेबी बॉय प्रोड्यूस हो दैट इज ए वी कैन से इट इज ए पार्ट ऑफ चांस ओनली लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग क्या करते हैं विमेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं और एक्चुअल सिचुएशन में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ बेबी फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ बेबी सो इट इज़ रॉन्ग टू हेल्थ मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड और दूसरी चीज ये भी है कि गर्ल या बॉय ये ऐसा डिफ्रेंश करने का कोई रोल है क्या नहीं बिकॉज जितने होशियार बॉयज हैं गर्ल्स आर ऑल्सो द सेम बेब रिलेट ओके देर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय ए गर्ल इज नो लेस देन ए बॉय यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग इन फ्यूचर लेटस्ट मूव देर आर सम मिथ्स एंड टबूज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ मिथ मिथ मतलब कुछ अंधश्रद्धाएँ वी विल कंसिडर मिथ यानी कि किसे बोलते हैं मिथ ए वाइल्डली हेल्ड बट फॉल्स बिलीव जो है उसे मिथ बोला जाता है एंड तबू मीन्स समथिंग प्रोहिबिटेड बाय सोशल कस्टम जो सोशल कस्टम की वजह से कुछ चीज़ के ऊपर क्या किया जाता है बैन लगाया जाता है उसे बोला जाता है टबू सो देर इज वन कस्टम कौन सी ए मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरी देर इज वन मिथ मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड विच इज टोटली रॉन्ग और फुलिश वी शुड नॉट बिलीव दिस थिंग एंड वन टबू हीज दैट ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन किचन डूरिंग हर डेज ऑफ मैं आज भी कई घरों में ये चीज आप को देखने को मिलती है कि इफ ए गर्ल और ए वूमेन इज गोइंग थ्रू हर मेंस्ट्रुएशन, देन शी इज नॉट अलाउड टू टच एनीथिंग इन द होम और इन द किचन व्हिच इज टोटली रॉन्ग इट इज ए नेचुरल प्रोसेस व्हाट ए गर्ल शुड डू इज टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर हाइजीन एंड देन शी कैन डू वॉट शी वॉन्ट्स टू डू

को मेंटेन करने के लिए आपके जो पीरियड है एडोलेसेंस पीरियड उसके ड्यूरेशन में आपको कुछ प्रॉपर केयर अगर आप लो तो आप ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कर सकते हो व्हाट इज नेसेसरी विच कंडीशंस आर नेसेसरी टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेस सी इट इज नेसेसरी नंबर वन टू इट बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस बैलेंस डाइट का मतलब क्या है हमें पता है कि हमारे बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिय चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए फैट चाहिए प्रोटीन चाहिए विटामिन चाहिए एंड मिनरल्स दिस थिंग्स वी नीड इन प्रॉपर प्रपोर्शन डेली है ना तो हमारा जो डाइट है वो डाइट में ये सारी चीज़ें डेली प्रॉपर प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है है ना सो फॉर दैट परपज वी शुड टेक बैलेंस डाइट रेगुलरली डूरिंग एडोलेसेंस

और कई तरह के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ, सामने आ सकते हैं टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग वॉट वी हैव टू डू इज टू मेनटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग और जो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वी हैव टू मेक कीप देम क्लीन वो पार्ट्स क्लीन रखना बहुत जरूरी है जनरली हम घाई घाई में ये चीज़ों की तरफ क्या करते हैं इग्नोर करते हैं जिससे जो बाद में फिर क्या होता है प्रॉब्लमैटिक साबित होते हैं So, for that purpose we have to maintain personal hygiene during adolescence. Third, we should take physical exercise daily. Physical exercise growth keliye both necessary hai. And we have to keep the habit of doing uh, physical exercise regularly. And fourth thing to maintain good reproductive health or good health is that we should avoid taking drugs. डूरिंग एडोलेसेंस किसी भी तरह का ड्रग या मेडिसिन लेना जो हमें जिसकी वजह से हमें क्या होता है हमारा ब्रेन के ऊपर से कंट्रोल निकल जाता है या जो हमें एडिक्ट बना सकता है ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसमें टोबैको आता है उसके बाद में अल्कोहल आता है सिगरेट आता है कई तरह के ड्रग्स आते हैं पैरासीटामोल उसके बाद में कई तरह के मॉर्फिन है बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो ड्रग्स हैं ये लेने के बाद में थोड़ी देर अपने को बहुत अच्छा लगता है बट डीज थिंग्स दीज थिंग्स डिस्ट्रॉय आवर थिंकिंग एबिलिटी एंड दे मेक अस एडिक्ट विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर लाइफ सो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मेंटल एंड फिजिकल डिजीजेस अल्सो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अवॉइडिंग टेकिंग ड्रग्स एडोलेसेंस क्योंकि अच्छी आदतें इसी ड्यूरेशन में आपको ऐसी कई अच्छी आदतें लग सकती है जो आपका लाइफ बना सकती है और यही पीरियड होता है जो एक गलत आदत भी अगर आपको लग गई तो आपका लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए वो क्या हो सकती है रिस्पॉन्सिबल हो सकती है सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ गुड or fit okay. So what you have to do is to eat a balanced diet during adolescence to maintain personal hygiene during adolescence, take physical exercise regularly and avoid taking drugs during adolescence. Okay. So these are some things which we have to uh, do for good health. Okay. So this is today's topic related to सेक्स क्रोमोजोम्स हाउ द जेंडर इज डिटरमाइंड उसके बाद में मिथ्स एंड तबूज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लास्ट वी हैव सीन इज वॉट रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सारे पॉइंट्स मुझे आपके नोटबुक में चाहिए और यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना चैप्टर क्या हो चुका है फिनिश हो चुका है एक छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए बाय